प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आपका दिन शुभ रहे, यानी हैव ए नाइस डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स कलीग्स एटसेट्रा। आज अपन कैटाबॉलिज्म का, ग्लूकोज कि कैटाबॉलिज्म का लास्ट पार्ट क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने पहले डाइजेशन द्वारा पॉलीसेकेराइड स्टार्च को मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, दूसरा ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्जन किया, ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ब्रेक डाउन किया एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पाइरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, और प्रत्येक पाइरिक एसिड का कन्वर्जन हुआ एसिटाइल को एंजाइम ए में। एसिटाइल को एंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल बने क्योंकि पाइरिक एसिड के भी दो मॉलिक्यूल थे। एसिटाइल को एंजाइम ए कि जो दो मॉलिक्यूल बने वो अब कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके, भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसलिए ये साइकिल जो है ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके मेम्ब्रेन के ऊपर ये साइकिल एटीपी या ऊर्जा को प्रोवाइड करने के लिए चलती है। मित्रों, शुरुआत करने जा रहे हैं क्रेब साइकल्स। क्रेब अपस्ट्रोक एस आ रहा है, इट मींस क्रेब नाम के किसी न किसी बायोकेमिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोजा था, इसलिए उसके सम्मान में इस चक्कर को क्रेब साइकिल कहते हैं। ये एक चक्रीय रूप में, एक साइक्लिक फॉर्म में ये साइकिल चलेगी, यानी जितने भी इवेंट्स होंगे 10 इसमें पॉइंट होंगे, 10 टोटल स्टेप होंगे, वो चक्रीय रूप में चलते हैं, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एन इंग्लिश बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रेब्स। इस साइकिल को खोजकर्ता का नाम जो है, जो बायोकेमिस्ट जो है वो इंग्लिश मैन सर हैंस क्रेब्स थे। वो वर्कड इट आउट इन 1937। इन्होंने 1937 में इसके ऊपर बहुत शानदार कार्य किया था। आल्सो अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1953। 1953 के अंदर इस सर हैंस क्रेब्स को नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। इट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। इसके अंदर खूब सारी अभिक्रियाएं होंगी, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी, अरेंज्ड इन ए साइकिल सीक्वेंस, एक चक्रीय रूप में जो जितने भी सीक्वेंस चलेंगी वो चक्रीय साइक्लिकल फॉर्म में होंगी। इन विच द एसिटाइल को एंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए जो पायरिक एसिड से कन्वर्जन होके आया है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्या बनाएगा, CO2 और H2O का निर्माण कर लेगा और साथ में ही प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP का निर्माण करेगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है इसके अंदर, अगर
कैटाबॉलिज्म का, ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म का अध्ययन करते हैं तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी साथ में बनता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही पहले स्टेप के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में मिलकर के सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, तो वापिस ये पुनः अभिक्रिया को, इस क्रेब साइकिल को प्रारंभ करने के लिए ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापिस बन जाता है, विच इज यूटिलाइज्ड इन द इनिशियल कंडेंसेशन इज जनरेटेड रीजनरेटेड, यानी शुरुआत के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए का प्रारंभ में संघनन हो रहा था, दोनों आपस में जुड़ रहे थे, तो ये साइकिल वापस रीजनरेट हो जाती है टू कंटिन्यू द प्रोसेस, ये प्रक्रम चलता रहे। दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, या सिट्रिक एसिड साइकिल तो पहला प्रोडक्ट बनता है इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, बट इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं TCA। ये एक थोड़ा सा उलझा हुआ सा मामला है, बट आई एक्सप्लेन इन वेल इन मैनर। जो सिट्रिक एसिड बना है शुरुआत के अंदर उसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल। इन यूकैरियोटिक सेल्स द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स के अंदर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर F1 पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, ATPase एंजाइम होता है, ATPase F1 पार्टिकल सहित इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लटके हुए या चिपके हुए पाए जाते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नितांत रूप से अभाव होता है। द सिट्रिक एसिड साइकिल रिएक्शन सीक्वेंस इज परफॉर्म्ड इन द साइटोसॉल। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो किस पे चल रही है, साइटोसॉल में चल रही है विद द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर ATP। प्रोटॉन को धारण करने वाली, प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को धारण करने वाली ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन फॉर ATP प्रोडक्शन, जो ATP का उत्पादन करते हैं, बीइंग अक्रॉस द सेल सरफेस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद करके, रेदर देन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन, बजाय माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे न होकर के ये साइटोसोल के अंदर संपन्न हो रही है इन प्रोकैरियोट्स। द ओवरऑल यील्ड ऑफ एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं, इसके अंदर एनर्जी, हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं TCA साइकिल्स में, जिसमें से तीन बनेंगे NADH। ये NAD जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई फॉस्फेट डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट निकोटिनामाइड, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, और 1-फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। NADH से 3 ATP के मॉल बनेंगे, FADH2 से 2 ATP के मॉल बनेंगे, और GTP से 1 ATP बनेगी। ये सभी साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में ATP का प्रोडक्शन करते हैं। द नेम सिट्रिक एसिड साइकिल इज डेराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन। सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम कैसे पड़ा है, जनरेट कैसे हुआ है, सबसे पहले सिट्रिक एसिड का ही कन्वर्जन हो रहा है, या सिट्रिक एसिड जो बनता है सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम ए
ऑक्जिलो एसिटिक एसिड के साथ में, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के सिट्रिक एसिड साइकिल का प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसलिए तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। बट सिट्रिक एसिड साइकिल इज सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या 3 होने के कारण से इनको TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। Hence, the Krebs cycle is sometimes referred to as the tricarboxylic acid cycle. इसको इस कारण से Krebs cycle को कभी कभी अपन TCA cycle के रूप में भी जानते हैं। ये तो है इसकी समरी। अब पढ़ेंगे इसके cycle के बारे में। 10 स्टेप में ये cycle पूरी होगी, ध्यान से देखना। मैं यहां पहला बोल रहा हूं, ये देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए है, CH3COSCOA है, यानी इसके साथ में ये को एंजाइम का थायो, एस का मतलब है थायो एल्कोहल फॉर्म में है, ये COOH की जगह क्या होना चाहिए, एस आया है, ये थायो एल्कोहल है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या हो रहा है, पानी के द्वारा हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग हो रहा है और इसके साथ में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए का हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बनेगा, को एंजाइम ए थायो एल्कोहल COASH, इसका नाम है को एंजाइम ए थायो एल्कोहल, सल्फर ग्रुप है इसमें। और पहला प्रोडक्ट ये देखिए, फर्स्ट एक नंबर पहला पॉइंट दिया है, सिट्रेट सिंथेटेज के द्वारा सिट्रिक एसिड का निर्माण होगा। सिट्रिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला C6H8O7 है। अब एकोनिटेज एंजाइम के द्वारा सेकंड स्टेप में वाटर का निष्कासन होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है और एकोनिटिक एसिड बन जाता है। अब H2 यानी कि H8 में से 2 H निकल गए, 1 O निकल गया, तो एकोनिटिक एसिड के अंदर C6H8 की जगह 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 निकल गई तो O 6 हो जाएगा, C6H6O6 यानी एकोनिटिक एसिड। ये स्टेप नंबर 2 में हो रहा है। फिर वापस ये एकोनिटेज एंजाइम जो है ये सिट्रिक एसिड के आइसोमेट्रिक फॉर्म में बदल रहा है, जिसका नाम होगा आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये चैन आइसोमर है सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का चैन आइसोमर है, दोनों का स्टेक फॉर्मूला एक ही होगा, C6H8O7। इधर देखिए C6H8O7, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर आकर के मिल रहा है और एंजाइम थर्ड स्टेप पे वही काम में आ रहा है, एकोनिटेज जो कि फर्स्ट सेकंड स्टेप में जो काम आया था वही, और यहाँ आइसोसिट्रिक फॉर्म C6H8O7 बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भिन्न भिन्न होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान होगी। इसका मतलब ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रिक एसिड का चैन आइसोमर है, श्रृंखला समरूपी रूप है। अब यहाँ
आइसोसिट्रिक एसिड स्टेप नंबर चार में चलते हैं। आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के द्वारा, डीहाइड्रोजनेस का मतलब है हाइड्रोजन निकल रही है, H2 निकल रही है, इसका मतलब अब ऑक्जेलोस सिट्रिक एसिड जो बनेगा इसमें हाइड्रोजन की मात्रा, यहाँ आइसोसिट्रिक में H8 थी तो यहाँ पे H6 हो जाएगी, दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। यहाँ NAD जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम आकर के इसके साथ में जुड़ रहे हैं और NADH जो है वो साइटोक्रोम पाथवे में जाकर 3 ATP का निर्माण करती है। सबसे पहले यहाँ 3 ATP फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन साइटोक्रोम पाथवे द्वारा NADH से, जो NAD की ऑक्सीडाइज फॉर्म की रिड्यूस्ड फॉर्म है उससे अपने को प्राप्त हो रहे हैं। स्टेप नंबर चार के बाद में ऑक्जेलोसिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक डीकार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोसिट्रिक डीकार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। यहाँ कोफैक्टर काम करेगा, मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ेगी और बनेगा अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड। अब CO2 निकल गई तो एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पे C6 था तो यहाँ पे C5 हो जाएगा, और H के अंदर कोई CO2 निकली है तो H हाइड्रोजन आयन तो निकले ही नहीं है, नया हाइड्रोजन निकला है तो H6 रहेगा। O2 के रूप में दो निकले हैं तो इसका सूत्र में O7 की जगह O5 हो जाएगा। ये है अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड किस में बदलेगा? सक्सिनाइल को एंजाइम ए में बदलेगा। सक्सिनाइल को एंजाइम ए ये भी एक थायो अल्कोहल की तरह होता है, ये अल्फा कीटोग्लुटेरिक डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के द्वारा बदलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए को एंजाइम ए का थायो अल्कोहल इसके साथ में जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हाइड्रोजन निकल रही है। तो यहाँ लिपोइक एसिड जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़ा है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में बदल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन्स के कारण से, लिपोइक एसिड H2 बन जाएगा, ये अपचयित या रिड्यूस्ड या इसका रिडक्शन हो जाएगा, लिपोइक एसिड का अपचयन हो जाएगा। अब लिपोइक एसिड जो अपचयित अवस्था में या रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा NAD जो है, ये ऑक्सीकृत अवस्था में या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये NAD जो है ये NADH में बदलता है और प्लस हाइड्रोजन आयन पृथक होते हैं और लिपोइक एसिड का यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। NAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी, NADH में बदल गई, वो अपचयित अवस्था में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है और लिपोइक एसिड वापस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और अपनी अन्य अभिक्रियाओं को चालू रखने में लिपोइक एसिड मदद करता है। स्टेप नंबर 5 के अंदर जो प्रोडक्ट अपने पास अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड C5H6O5 जो था वो अल्फा कीटोग्लुटेरिक डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के द्वारा किस में बदलता है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। अब यहाँ क्या निकल गई, दो हाइड्रोजन निकल गई, तो दो हाइड्रोजन निकल गई तो H6 की जगह एक हाइड्रोजन वापस जुड़ रही है, ये देखिए H कोएंजाइम ए का जो अल्कोहल थायो अल्कोहल फॉर्म है ये हाइड्रोजन वापस जोड़ रहा है, तो यहाँ
H6 से एक हाइड्रोजन की कमी हो गई तो H5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन दो निकली एक जुड़ गई तो C5 की जगह, नहीं, कार्बन कार्बन जो है वो एक जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड एक निकला, एक जुड़ा, एक निकल रहा है, तो इसका मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पे C5 की जगह कार्बन की संख्या C4 हो जाएगी, और ये SCOA यानी थायो अल्कोहल के रूप में सक्शन अल्कोहल एंजाइम पड़ा रहेगा, COASH, इसके बाद में S यहाँ जाकर के जुड़ जाता है, ये थायो अल्कोहल फॉर्म में होता है। सक्शनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट्स इनटू दी सक्शनिक एसिड। अब यहां सक्शनिक थायोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर मिल रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ रहा है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये GDP को, ग्वानोसिन डाई फॉस्फेट को, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट GDP प्लस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने से GTP बन जाएगी, और GTP जो है वो ADP को ATP में बदलने का कार्य करती है, तो एक ATP यहाँ बनती है और तीन ATP यहाँ बन रही है, ये देखिए आप, ये भी साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में बनती है। अब यहाँ पे H2O हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है, GTP में ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट जो है ट्राइफॉस्फेट में बदल करके एक ATP का निर्माण कर रहा है। अब कोएंजाइम ए थायो अल्कोहल है ये यहां से निकल जाएगा, कोएंजाइम ए SH निकल जाएगा, तो ये सक्शनिक एसिड बन जाएगा। सक्शनिक एसिड का मतलब है कार्बन की संख्या तो चार ही है, हाइड्रोजन की संख्या H2 जुड़ा और एक H निकल गया तो यहां पे पांच के स्थान पे छह हो जाएंगे, क्योंकि एक H2 दो जुड़े एक निकल गया तो एड वे अपने पास क्या एक हाइड्रोजन, तो ये H6 हो जाएगा, और H2O में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का एटम आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चार हो जाएंगे, तो C4H6O4 हो जाएगा सक्शनिक एसिड में। ये स्टेप नंबर सात का प्रोडक्ट है। सक्शनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, और किस एंजाइम की उपस्थिति में, सक्शनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में। डिहाइड्रोजिनेस का मतलब है हाइड्रोजन निकल रही है, H2 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे C4H6 सक्शनिक एसिड के अंदर है, तो फ्यूमेरिक एसिड जो आगे बनेगा उसमें H6 के स्थान पे H4 हो जाएगा। ये H2 डिहाइड्रोजिनेस यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रही हैं, तो ये FAD जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है उसको FADS2 में बदल देगी, और FADS2 साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो दो ATP का निर्माण करती है, GTP एक का, FAD दो का, NAD तीन का निर्माण करती है, NADH जो है वो FADH2 दो का निर्माण करती है, NADH साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में तीन ATP का निर्माण करती है, तो यहाँ FADH2 के ऊपर दिखाए मैंने टू ATP, अब बन गया अपने पास में फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C4H4O4। फ्यूमेरेज एंजाइम की सहायता से यहां वाटर वापस जुड़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो H2O जुड़ रहा है, तो H यहां चार हैं तो यहां पे सिक्स हो जाएंगे, O
फोर हैं तो यहाँ ओ फाइव हो जाएंगे। सी फोर एच सिक्स ओ फाइव जो बनेगा ये इसका नाम होगा मेलिक एसिड। नाम क्या होगा? मेलिक एसिड। ये स्टेप नंबर नौ के अंदर फ्यूमरेज एंजाइम की सहायता से मेलिक एसिड बना है। अब मेलिक एसिड का मेलिक डीहाइड्रोजिनेस, मेलिक डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा, इसका मतलब हाइड्रोजन वापस निकल रही है, एच टू दो वापस कम हो जाएंगे, सी फोर एच फोर ओ फाइव हो जाएगा। ये देखिए ऑक्सलोएसिटिक एसिड बन रहा है दसवें स्टेप में, सी फोर एच फोर ओ फाइव। एच सिक्स जो था उसमें से दो हाइड्रोजन निकल गए और ये एनएडी जो था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में बदलता है एनएडीएच में, और ये एनएडीएच साइटोक्रोम पाथवे में जाने के पश्चात अपने को तीन एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। तो मेलिक डीहाइड्रोजिनेज द्वारा वापिस वही प्रोडक्ट बन गया जो कि क्रेब साइकिल के इनिशियल पॉइंट के ऊपर पहले पॉइंट के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ जाकर के जुड़कर एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल का प्रारंभन करते हैं, इनिशिएशन करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए ऑक्सलोएसिटिक एसिड वापस एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में जुड़ करके सिट्रिक एसिड साइकिल का निर्माण कर इस साइक्लिकल फॉर्म, हालांकि कंप्लीटली साइक्लिकल फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर नहीं आ पाई है, इसके लिए स्पेस की आवश्यकता ज़्यादा थी। ये है साइक्लिकली फॉर्म में लेकिन इस रूप में दिया है, एकदम पूर्णतः साइकिल के रूप में नहीं आ पाया है। अब अपन देखते हैं कि एक एसिटाइल को एंजाइम ए आया, अभी तो एसिटाइल को एंजाइम ए एक ही है, एक और आएगा क्योंकि पायरिक एसिड का कन्वर्जन, पायरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के कन्वर्जन से प्रत्येक से एक एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है और एसिटाइल को एंजाइम ए के द्वारा ही क्रेब साइकिल का इनिशिएशन होता है यानी की शुरुआत होती है। तो यहां एटीपी कितने बन रहे हैं वो देखने हैं। स्टेप नंबर, ये देखिए आप स्टेप नंबर चार में तीन एटीपी, तीन, और स्टेप नंबर छ में तीन एटीपी, तीन और तीन कितने हो गए, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, एक बन गया स्टेप नंबर सात में जीडीपी से जीटीपी बनते समय सात, और सेवन हो गए यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स, और स्टेप नंबर आठ में एफएडीसी एफएडीएच टू बनी तब यहाँ पे दो एटीपी और बन गए, सात, सेवन प्लस टू एटीपी इक्वल टू टू नाइन। अब स्टेप नंबर 10 के अंदर एनएडी एनएडीएच रिड्यूस्ड फॉर्म में बदलता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यहां तीन एटीपी फिर वापस मिलते हैं साइटोक्रोम पाथवे द्वारा, तो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, यानी इस कंप्लीट साइकिल से अपने को तीन एटीपी स्टेप नंबर 4 से, स्टेप नंबर 6 से तीन एटीपी 6, और सात नंबर स्टेप से एक यानी कि सेवन, और आठ नंबर स्टेप से दो मिल रहे हैं नाइन एटीपी, और दस नंबर स्टेप से वापिस अपने को तीन एटीपी मिल रहे हैं, तो 12 एटीपी पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब साइकिल में प्रवेश करता है तो मिलते हैं। ऐसे एसिटाइल कोएंजाइम ए दो बार, इस दो एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी दो बार क्रेब साइकिल चलेगी दो मॉलिक्यूल होने के कारण से, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो 24 एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस में अपने को लब्धि होती है
यील्ड होती है या अपने को प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूले लेने चाहो थोड़े से जटिल हैं, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, प्रत्येक के स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया था, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया था। अब इस सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल को चक्रीय रूप से दिखाया है तो सिर्फ नाम ही लिखा है, नाम ही लिखा है मैंने, लेकिन साथ में नीचे इसके सूत्र बताए हैं मैंने आपको, और सूत्रों का भी कारण बताया है कि हाइड्रोजन आयन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लिख लेना कॉपी में CaIO इक्वल टू अल्फा इक्वल टू SSFMO CaIO बराबर अल्फा बराबर SSFMO CaIO इक्वल टू अल्फा इक्वल टू SSFMO। ये 10 मैंने अल्फाबेट का चयन किया है आपको ट्रिक बताने के लिए। पहले प्रोडक्ट के अंदर सी बोला है तो देखिए सिट्रिक एसिड आएगा, ए बोला है CaIO एकोनिटिक एसिड आएगा, CaI का मतलब है आइसोसिट्रिक एसिड आएगा, O का मतलब बोला है तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड आएगा, अल्फा बोला है तो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड आएगा, CaIO बराबर या इक्वल टू अल्फा हो गया। अब है SSFMO, S का मतलब सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ये देखिए आप सक्सिनाइल को एंजाइम ए, फिर एस दोबारा आ रहा है इसका मतलब यहां सक्सिनिक एसिड बन रहा है। अब एस एस एफ का मतलब फिमेरिक एसिड है, एम आ रहा है तो मेलिक एसिड है, ओ का मतलब है तो ऑक्जिलोएसिटिक एसिड है। तो सी ए आई ओ अल्फा एस एस एफ एम ओ, ये जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे शुरुआत से, सी पहला है, पहला प्रोडक्ट ये देखिए आप पहली अभिक्रिया के अंदर यहाँ सिट्रेट सिंथेटेज द्वारा ऑक्जिलिक एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर के एक ट्राई कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो सी ए आई ओ इक्वल टू अल्फा एस एस एफ एम ओ, ये है क्रेब साइकिल को याद रखने का एक ट्रिक फॉर्मूला। यू नेवर फॉरगेट, कभी जिंदगी में आप इसको भूल नहीं सकते। सी ए आई ओ इक्वल टू अल्फा बराबर एस एस एफ एम ओ, ये 10 स्टेप होंगे। अगर ये याद हैं और एक बार पढ़ी हुई है, ढंग से पढ़ी हुई है, टिल डेथ नहीं भूल सकते। अब आ रहा है लास्ट, एनर्जी यील्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अपन लोगों ने ग्लूकोज का यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लिया है, क्योंकि ये तो चलती है क्रेब साइकिल तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है। मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूं। और ग्लाइकोलाइसिस एनोरोबिक रेस्पिरेशन में या ऑक्सीजन की कमी के कारण से हो रहा था, तो अलग अलग जगह अलग अलग एटीपी का
अपने को गेन हुआ था, अपने को अलग अलग साइकिल में अलग अलग एटीपी यील्ड हुई थी, यानी लब्धि बोलते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल एटीपी या एनर्जी यील्ड कितनी हुई थी? टोटल 10 ATP बनी थी, जिसमें से 2 ATP पे बैक हो जाती है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में। नेट गेन होता है 8 ATP का, क्योंकि यहां ग्लूकोज का पायरिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है और पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने। ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, 2 ATP डायरेक्ट कंज्यूम होती हैं और 4 ATP डायरेक्ट प्रोड्यूस होती हैं। तो नेट डायरेक्ट ATP ऑब्टेन कितनी भी, 2 ATP। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार कई परीक्षाओं कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस द्वारा डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन कितनी होती है। आंसर होगा 2, क्योंकि बनती तो 4 है, लेकिन स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में 2 ATP डायरेक्ट कंज्यूम हो जाती है। तो डायरेक्ट ATP बनी कितनी, 2, और 6 बनती है NADH के साइटोक्रोम पाथवे में जाने के पश्चात। तो 2 ATP प्लस 6 ATP इक्वल टू 8 ATP यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में मिली। अब प्रत्येक पायरिक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में होता है, तो एक पायरिक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में होता है तो 3 ATP मिलते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल का, पायरिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में हो तो 3 प्लस 3 यानी 2 मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल को एंजाइम ए में बनते हैं। तो 3 × 2 इक्वल टू 6 ATP, और एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब साइकिल में जब प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक एसिटाइल को एंजाइम ए के ब्रेकडाउन किस में होगा, H2O + CO2 में, और साथ में क्या बनती है, ATP। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड ड्यूरिंग 2 क्रेब साइकिल्स, कितनी क्रेब साइकिल चलेंगी, 2 क्रेब साइकिल चलेंगी एसिटाइल को एंजाइम ए के प्रवेश के पश्चात। तो 2 प्रत्येक से 12, 12 ATP फॉर्मेशन होती है। 12 ATP इज मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स इक्वल टू 24 ATP। तो 8 ATP थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, 6 ATP फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए 6 ATP, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू दी 2 क्रेब साइकल्स। इस क्रेब साइकिल प्रोड्यूस 12 ATP, 2 टाइम्स चलता है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2, 24 ATP। नेट गेन होता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स। हालांकि रंगनाथन राव और रामा राव की बुक में यह जरूर लिखा हुआ है कि 2 ATP जो हैं वो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में काम में आ जाती हैं, तो नेट गेन 36 ATP का ही होता है। लेकिन और बाकी की जितने भी स्टैंडर्ड की फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की जितनी भी बुक्स हैं, उसमें ग्लिसरोफॉस्फेट शटल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। और जितनी भी कंपिटिटिव एग्जाम जो होती हैं उसके अंदर आंसर आता है, द एक ग्लूकोज के अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो, अनाक्षीय श्वसन हो चाहे आक्षीय श्वसन हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से
कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? आंसर होगा 38 एटीपी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके टॉपिक बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रिक मैंने जो बताई है उसको आप फॉलो करना, और ये एटीपी का जो यील्ड हुई है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस बहुत बार अल्टरनेटिव कंपिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे पास कोर्स की, पीजी लेवल की, यूजी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बार बार पूछा जाता है। आप सुनिश्चिंत रहिए, आपको घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा इस संकट की घड़ी में आपको नियमित रूप से वीडियोज मिलते रहेंगे, वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। ढंग से ध्यान मगन होकर वीडियोज जितने भी आपके पास पहुंच रहे हैं उनको ध्यान से वॉच करना, और वॉचिंग के पश्चात निष्कर्ष निकालना। मेरी समझ में आपकी अवधारणाएं कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ मैं आपको जो नियमित रूप से वीडियोज को वॉच कर रहे हैं उनको तह दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।